Hello students, today we are going to start the next topic of this first chapter, number work. So today's topic is introducing hundreds. Okay, in last class we study about the two digits number. Okay, so now today we discuss about the hundreds. Look at this picture. This is bowl. In this bowl, there are number of candies. There are number of candies in that bowl. So, how many candies in this bowl? There are 100 candies. Okay, there are 100 candies. कितने candies है इस bowl में? 100 candies है. Okay. Then next picture is, this is a bangle sets. Okay. There are 10 bangle sets. 10 bangle set है. इस तरह से 10 bangles के set है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 बैंगल्स के सेट है. ईच सेट विच कंटेन 10 बैंगल्स. ईच सेट कंटेन 10 बैंगल्स. इफ अगर देखो यहाँ पे 10 सेट्स है बैंगल्स के, तो ईच सेट में 10 बैंगल्स है, तो कितने बैंगल्स होंगे यहाँ पूरे सेट में? कितने बैंगल्स होंगे होल सेट में? देखो 10 क्रॉस 10 करेंगे हम. अगर 10 क्रॉस 10 करेंगे तो कितने मिलेंगे हमें? ये हो गए 100 हो गए. तो इस सेट में बैंगल्स के सेट में कितने बैंगल्स है? टोटल 100 बैंगल्स है. ओके, देन नेक्स्ट देखो, स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग दिख रही है, ये बीट्स की स्ट्रिंग है. इस तरह से बीट्स की स्ट्रिंग है, इस तरह से बीट की स्ट्रिंग है. तो यहाँ पे कुछ बीट्स लगे हुए हैं. बीट्स है स्ट्रिंग में, इस तरह से बीट दिख रहे हैं हमें स्ट्रिंग में. तो इस स्ट्रिंग में बीट्स कितने हैं? नंबर ऑफ बीट्स है. तो हमने अगर इसे काउंट किया तो यहाँ पे कितने बीट्स मिल रहे हैं हमें? 100 बीट मिल रहे हैं. तो यहाँ पे भी कितने बीट्स है? 100 बीट्स है इन दिस स्ट्रिंग. 100 बीट्स इन दिस स्ट्रिंग. ओके, तो स्ट्रिंग में कितने बीट्स है? 100 बीट्स है. ओके, देन नेक्स्ट है स्टिक सेट्स. देखो ये जो फिगर दिख रही है इस पिक्चर में, कौन से क्या दिख रहा है? ये स्टिक का बंच है. तो हर ईच बंच कंटेन 10 स्टिक्स. ये जो बंच है 10 स्टिक्स का जो बंच है, तो ईच बंच कंटेन 10 टिक्स. इस तरह से हर एक बंच में 10 स्टिक्स है. इस तरह से यहाँ पे कुछ स्टिक्स दिख रही है हमें. तो यहाँ पे कितने स्टिक्स है? 10 स्टिक है इस बंच में. तो यहाँ पे इस तरह से 10 बंच है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसी तरह से अगर 10 बंच होंगे यहाँ पे 10 स्टिक्स के, तो कितने स्टिक्स होंगे पूरा? टोटल स्टिक्स कितने होंगे? 100 हो गए. इसी तरह 10 क्रॉस 10 करेंगे हमें 100 मिलेंगे. यानी जो 10 स्टिक के जो वन बंच दिया हुआ है 10 स्टिक का, तो अगर तो इसे हम 10 क्रॉस 10 करेंगे तो हमें 100 मिलेंगे. ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास 20 रुपीज की नोट है. 20 रुपीज की नोट, अगर हमारे पास 20 रुपीज की 5 नोट्स होगी तो कितने रुपीज हो गए? वो 100 रुपीज हो गए. देखो ये 20 रुपीज की नोट है, 20 रुपीज की नोट है ये. इसी तरह से हमारे पास
कितनी नोट्स है, 5 नोट्स है। इसी तरह से हमारे पास है 5 नोट्स 20 रुपीज की, 1 2 3 4 5, 5 नोट्स है 20 रुपीज की। तो हम 20 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमें कितने नंबर मिलेंगे, 100। तो कितने रुपीज हो गए हमारे पास, 100 रुपीज हो गए। ओके देखो ये जो 100 रुपीज है, देखो 99, ये नंबर है 99। ये कौन सा नंबर है, बिगर नंबर है, टू डिजिट में का नंबर ये बिगर है, दिस इज बिगर नंबर इन टू डिजिट्स नंबर। ओके सो इस 99 प्लस 1, इफ वी एड द वन नंबर इन 99 देन वी गेट 100। ओके सो 99 इज अ बिगर नंबर इन टू डिजिट नंबर्स एंड देन वी एड द वन नंबर इन द 99 देन वी गेट 100। सो 100 इज अ स्मॉलर नंबर इन थ्री डिजिट नंबर, या एब्सोल्युटली दिस इज अ स्मॉलर नंबर। ओके सो लुक एट दिस, दिस इज 100। ओके देन इफ वी मल्टीप्लाई दिस 100 बाय 2, 100 क्रॉस 2 इक्वल्स टू 200 हो गए। ओके देन देखो ये जो 0 दिख रहा है कौन से प्लेस पे है, इसकी प्लेस कौन सी है, यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस पे है। देन नेक्स्ट जो 0 दिख रहा है हमें वो कौन से प्लेस पे है, वो 10 की प्लेस में है। ओके और जो 2 दिख रहा है हमें वो कौन से प्लेस पे है, 100 की प्लेस में है। तो देखो ये 100 की प्लेस में, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, देन 100 प्लेस। ओके लुक एट दिस नेक्स्ट नंबर 3 4 5, दिस इज द 3, दिस इज 3 डिजिट नंबर, या सो लुक दिस, दिस इज द फर्स्ट नंबर, इज सेकंड नंबर एंड इज थर्ड नंबर। सो दिस इज यूनिट नंबर, यूनिट प्लेस, 5 की प्लेस कौन सी है, यूनिट प्लेस है। देन 4 इज अ 10 प्लेस, 4 की प्लेस कौन सी है, 10 है, 10 प्लेस। देन 3 की प्लेस कौन सी है, 100 की प्लेस है। ओके ये हो गया 100। देखो अगर हमारे पास 10 टेंस है, यानी 10 के अगर कोई भी 10 बंच हो गए, 10 के 10 बंच हो गए तो कितने हो गए, वो कितने हो गए टोटल, 100 हो गए। उसी तरह से अगर 20 टेंस हो गए, ओके 20 टेंस कितने, वो कितने बनाएंगे, 20 क्रॉस 10 करेंगे तो कितने हो गए, 200 हो गए। इसी तरह से हम 30 या 40 50 लेंगे, 50 टेंस, इफ देयर इज 50 टेंस विच इज मेक, 50 टेंस इज मेक्स 50 टेंस इज मेक 500। ओके 50 टेंस कितने बना रहे हैं, 500 बना रहे हैं। सो इसी तरह से 100 हम लिख सकते हैं, 100 या 100 कितने डिजिट के नंबर होते हैं, 3 डिजिट के नंबर होते हैं। सो इन लास्ट क्लास, सो इन नेक्स्ट क्लास वी स्टडी अबाउट द 3 डिजिट नंबर्स। ओके थैंक यू।